हिस्सा पर टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव पड़ताल आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली बार टीवी 9 पर नू हिंसा के 54 आरोपी आप देखेंगे। नू हिंसा के आरोपियों से टीवी 9 के रिपोर्टर जीत भाटी ने सवाल किए। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने आने जा रही है। पहली बार किसी चैनल के टीवी कैमरे पर नू हिंसा के 54 आरोपी एक साथ। ये वो 54 चेहरे हैं जिन पर नू में तोड़फोड़ और हिंसा के संगीन इल्जाम हैं। 31 जुलाई को हरियाणा के नू में आगजनी और फायरिंग हुई थी। 31 जुलाई को हिंसा को लेकर इन 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नू से भेजी है। ये सभी 54 आरोपी नू के थाने में बंद हैं। थाने में बंद 54 में से 19 आरोपियों से जीत भाटी ने बात की है। टीवी 9 संवाददाता के सवाल पर इन आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। टीवी 9 के कैमरे पर दिख रहे इन आरोपियों ने हिंसा या दंगे में शामिल होने के आरोपों को गलत बताया। टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने इन आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें किसी ने हिंसा के लिए उकसाया है। इन आरोपियों ने उकसाने और भड़काने की बात से इनकार किया। इन 54 आरोपियों को थोड़ी देर में पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। पुलिस कोर्ट से इन आरोपियों की रिमांड मांगेगी और पूछताछ शुरू करेगी। और हरियाणा हिंसा को लेकर नू पुलिस की गिरफ्त में 54 आरोपी हैं जिन्हें दो अलग अलग कमरों में रखा गया है। आरोपियों से टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने बातचीत की। आप लोग शामिल थे दंगे में? फिर कैसे पकड़ में आए? आपका खुद का नुकसान आप ही कह रहे हैं, फिर क्या आपको कैसे पकड़ा पुलिस ने? कहीं कहीं तो आप शामिल रहे होंगे ना? लेकिन आपको इस बात का दुख है ऐसा हुआ? ये नहीं होना चाहिए था ना। तो आपको किसी ने उकसाया? किसी ने उकसाया था आपको? फिर कैसे हुआ ये? जो भी जिसने करा वो गलती करा, फिर ले लिया। किसी ने आपको उकसाया हो, बोला हो? बिल्कुल, देखिए ये हालांकि कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको कोर्ट में पेश किया था, जहां से इन पर सवाल लगे, क्योंकि कई लोगों की इस मामले में मौत हुई है, आगजनी की गई है, दंगे भड़के हैं, तमाम धाराओं में इनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने इनको रिमांड पर लिया हुआ है। पूछताछ कर रहे हैं कि इस पूरे बवाल के अंदर आखिर और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या ये पूर्व नियोजित था, पुलिस से पहले प्लानिंग की गई थी, या फिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। तो देखिए, सोमवार को हरियाणा हिंसा की शुरुआत नूह से ही हुई थी। आखिर उस दिन नूह में क्या हुआ था, उस दिन का नया वीडियो भी अब सामने आ गया है। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। नू हिंसा का ये वीडियो खौफजदा करने वाला है। वीडियो 31 जुलाई का है। हरियाणा हिंसा की शुरुआत मेवात के नू के इसी नरहड़ मंदिर से हुई थी। हिंसा के दौरान यहाँ से एक धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी। देख रहे ना, ले जा रहे। वीडियो में पहाड़ों से हो रही फायरिंग की आवाज़ सुनी जा सकती है। देखिए किस तरह से गाड़ियों के पीछे छिपकर लोग अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। जिस वक्त फायरिंग की जा रही थी, उस वक्त घटना स्थल पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। वीडियो में एक पुलिसकर्मी को कार के पीछे छिपकर जान बचाते देखा जा सकता है। नू मंदिर पर भड़की हिंसा के दौरान मौजूद लोग शुरू से ये दावा करते आ रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़ों से उन पर गोलियां चलाई जा रही थी। वो मदद के लिए आला पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन्हें कई घंटों बाद मदद मिली। धार्मिक यात्रा में शामिल होने आए लोगों की गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। किसी तरह से मंदिर में छिपकर लोगों ने अपनी जान बचाई थी। अब हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। 100 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हरियाणा में भड़की हिंसा के बाद अब हिंसाग्रस्त इलाकों में काम करने वाले लोग अपने घर लौट रहे हैं। देखिए नू से टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान पलायन की जो तस्वीरें देखने को मिली थी, वो एक बार फिर हरियाणा के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। तस्वीरें मेवात के नू की है, जहाँ 31 जुलाई की हिंसा के बाद धारा 144 लागू है। दुकानों को जलाए जाने के बाद यहां पर काम करने वाले मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने यहां से पलायन शुरू कर दिया। आवाजाही का साधन न मिलने के बाद लोगों ने पैदल ही सफर शुरू कर दिया।
जो मजदूर हैं यहाँ पर जो रहकर काम करते थे और जो हालात ख़राब हुए, तो ये जो लोग हैं ये यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार बंद है, धारा 144 लगी हुई है, ना दुकानें खुली हैं। और ये वो लोग हैं जो रोजाना कमाते थे, खाते थे, तो अब यहाँ से ये लोग जो हैं अब पैदल ही यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। खाना पीना कैसे खाएंगे, आटा वाटा भी नहीं, पैसे क्या भी काम करते थे आप यहाँ पे? मजदूर कहते हैं जी। क्या करें, रुक रुक के जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, क्या खाएंगे हम लोग? खाना पाने के लिए कुछ है नहीं, काम लग नहीं रहा है, क्या करेंगे हम पर। और हरियाणा के मेवात और नूह में हुई हिंसा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है ताजा हालात, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से हरियाणा हिंसा को देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है। कई संवेदनशील जिलों में खास नजर है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, शामली और गौतम बुद्ध नगर पुलिस को विशेष सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मथुरा और अलीगढ़ में 84 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा रखने के लिए खास निर्देश जारी किए गए। इतना ही नहीं, हरियाणा की तरफ से आने वाली गाड़ियों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। रात में हरियाणा की तरफ से आने वाले संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि सभी जिलों में रिजर्व पुलिस बल रखे जाने के साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस अधिकारियों को खुद गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन और पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि एक तो इंटेलिजेंस कलेक्शन करें, दूसरा पर्याप्त रिजर्व रखें स्ट्रेटजिक जगहों पर,